अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी एट इन्फो पर खुश आमदीद। सामईन कराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू एहराम मिस्र हैं। मिस्र में मौजूद इन बुलंदो बाला तामीरात की तादाद 138 है, जिन्हें एहराम मिस्र के नाम से जाना जाता है। ये इस कदर मजबूत है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद कुदरती आफात जैसा कि सैलाब और जल्जलों से भी इनकी साख में कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हुई। हैरत अंगेज बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी की कोई सहूलत मुयसर न होने के बावजूद इनमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की तराश खराश, जो माहिरीन के मुताबिक आर्सेनिक और कॉपर की बनी छीनियों से की गई, बेहतरीन और यकसा है। एहराम मिस्र की चारों अतराफ 51.5 डिग्री के जाविये पे हैं। ये पैमाइश गालबन पोलर स्टार की मदद से बिना किसी कंपस या आले के की गई थी। एहराम की चारों सिमतों की लंबाई बराबर यानी 230 मीटर है। कदीम मिस्र के बादशाह फिरौन कहलाते थे। ये एहराम उनकी आखिरी आरामगाह के तौर पर बनाए गए थे। इनमें सबसे बड़ा खुफू का एहराम है, जिसे ग्रेट पैरामिड्स ऑफ गिजा भी कहा जाता है। गिजा का अजीम एहराम मिस्र का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े एहराम में से एक है, जिसका रकबा करीबन 13 एकड़ पर मुश्तमिल है। जबकि तामीर में इस्तेमाल होने वाले बड़े और भारी भरकम पत्थरों की तादाद 23 लाख है और एहराम का मजमूई वजन 60 लाख टन है। इसके वजन का मुवाजना असरे हाजिर की जदीद तरीन और बुलंद तरीन अमारात से किया जाए तो दर्जनों जदीद अमारात मिलकर इसमें समा सकती हैं। इसमें 3 कमरे हैं, जिनमें एक बादशाह का चैम्बर, दूसरा मलका का चैम्बर, जबकि तीसरा तहखाना है। खुफरे का एहराम। खुफू के बाद दूसरा एहराम उसके बेटे खुफरे का है, जो कि इस खानदान का चौथा फिरौन था। इस एहराम की बुलंदी 471 फीट है। इसकी ऊपरी सतह पर आज भी सफेद चमकदार चूने के पत्थर की मौजूदगी देखने वालों की तवज्जो का मरकज है। ममलूक सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन के दौर में यहां से पत्थर और चूना उखाड़ कर एक छोटा किला और एक मस्जिद तामीर की गई। इसी तरह 19वीं सदी में मोहम्मद अली पाशा ने भी यहाँ से कुछ पत्थर कायरा भिजवाए और मस्जिद मोहम्मद अली की बुनियाद रखी। खुफरे का एहराम मिस्र तकरीबन 2600 कबल मसीह के दरियाफ्त है। मैनकौर का एहराम। 3 मशहूर एहराम में से तीसरा और सबसे छोटा एहराम खुफरे के बेटे और इस खानदान के 5वें फिरौन मैनकौर का है। इसकी लंबाई 213 फीट बताई गई है। इसका कुछ हिस्सा जेरे जमीन भी है। 146.6 मीटर या 481 फुट की बुलंदी पर गीजा का एहराम दुनिया का सबसे ऊंचा ढांचा था, जब तक के लिंकन कैथेड्रल 1311 ईस्वी में मुकम्मल नहीं हुआ था, जो कि 160 मीटर बुलंद तामीर है। मिस्र में गीजा का अजीम एहराम, जिसकी ऊंचाई मौसमियाती तगैर और तबदल के बाद 450 फीट रह गई है, दुनिया के 7 अजायबात में से वो वाहिद है जो अब तक अपनी असली हालत में मौजूद है। एहराम की तामीर के मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं, जिनमें कुछ के मुताबिक ये तामीर गुलामों की मेहनत का नतीजा है, जबकि मिस्री मौरख डिटेल वल्डोंग के मुताबिक ये मिस्र के आम मजदूर अफराद थे, जिन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती थी। एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाला मखसूस पत्थर लाइमस्टोन गीजा से 250 किलोमीटर के फासले पर मौजूद टोरक के मकाम पर तराशा जाता था, जिसे बाद में बड़ी कश्तियों के जरिए गीजा तक लाया जाता था। पत्थरों की तराश खराश, तरसील और बुलंदी तक ले जाने के लिए लाखों मजदूर दरकार थे। बैरूनी तामीर के बरक्स एहराम के अंदरूनी हिस्से में ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ, जो कि हीरे के बाद दूसरा सख्त तरीन पत्थर माना जाता है। मिस्री एहराम मिस्र में वाकया कदीम चुराई के ढांचे हैं। जराए ने कम अज कम 118 शनाख्तशुदा मिस्री एहराम का हवाला दिया है। तकरीबन 80 एहराम कुश की रियासत में बनाए गए थे, जो अब जदीद मुल्क सूडान में वाकया हैं। इनमें से जो जदीद मिस्र में वाकया है, ज्यादातर मुल्क के फिरौनों और उनके साथियों के मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। इनकी तामीर चूंकि भारी पत्थरों से करना थी, इसलिए ऐसी जमीन का इंतखाब जरूरी था जो इनके वजन से धंस न जाए। ये मशहूर एहराम ईंटों या पत्थरों से बने हुए बड़े ढांचे हैं, जिनमें से कुछ दुनिया की सबसे बड़ी तामीरात में से हैं। ज्यादातर एहरामों की सतह हमवार सफेद चूने के पत्थर यानी लाइमस्टोन की थी। इनमें से कई सामने वाले पत्थर गिर चुके हैं,
यह हटाकर कायरा में तामीर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। कैपस्टोन आमतौर पर चूने के पत्थर, ग्रेनाइट या बिसॉल्ट से बना होता था और इनमें से कुछ पर इलेक्ट्रोम चढ़ाया जाता था। कदीम मिस्रियों ने 2700 कबल मसीह से 1700 कबल मसीह तक अहराम तामीर किए थे। पहला अहराम तीसरे खानदान के दौरान फिरौन जोसर और उसके मेहमान इम्होटेप ने तामीर किया था। इब्तदाई बादशाहों जैसे कि स्नेफरो ने कई अहराम बनाए, जिसके बाद के बादशाहों ने मशरिक की बादशाही के अख्ताम तक अहरामों की तादाद में इजाफा किया। शाही अहराम बनाने वाला आखिरी बादशाह अहमोस था, जिसके बाद के बादशाहों ने पहाड़ियों में अपने मकबरे छुपा रखे थे। जैसे लक्सर के मगरबी किनारे में वादी ऑफ किंग्स में मेडिनेट हैबो और डायर अल मदीना में अफराद के छोटे अहराम बनाए थे। इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे अहराम भी थे जो नोबियाई बाशिंदों ने तामीर किए थे, जिन्होंने आखिरी दौर में मिस्र पर हुकूमत की। कदीम मिस्री अहराम ज़्यादातर दरियाए नील के मगरब में बनाए गए थे। 2008 तक तकरीबन 135 अहराम मिस्र में दरियाफ्त हुए हैं। इनमें से अक्सर जदीद दौर के कायरा के करीब वाक़ है। ख्याल किया जाता है कि मिस्री अहराम की शक्ल इस कदीम टीले की नुमाइंदगी करती है, जिससे मिस्रियों के मुताबिक ज़मीन की तख्लीक हुई। आमतौर पर इस बात पर इतफाक किया जाता है कि अहराम दफन की यादगारें थी। मायरीन आसार कदीमा इस बात पर मुतफिक है कि इन अहरामों की तामीर का मकसद फ़राइन मिस्र और इनके शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद का मदफन तैयार करना था। इससे पता चलता है कि अहराम को इसलिए बनाया गया कि मुर्दा फिरौन की रूह को बराह रास्त देवताओं के घर में जादुई तौर पर पहुँचाया जा सके। तमाम मिस्री अहराम दरियाए नील के मगरबी किनारे पर बनाए गए थे। अहराम की तामीर में पत्थर की बारी मकदार को मुंतकिल करना शामिल है, जबकि ज्यादातर ब्लॉक करीबी कानों से आए थे। खास पत्थरों को दूर दराज मकामात से बड़ी बादबानी कश्ती पर मुंतकिल किया जाता था। तोरा से सफेद चूने का पत्थर और अस्वान से ग्रेनाइट लाया गया था। 2013 में पेपरी, जिसे डायरी ऑफ मिरर का नाम दिया गया है, बहिरा अहमर के साहिल पर एक कदीम मिस्री बंदरगाह से दरियाफ्त हुआ था। यह 4500 साल कबल एक एहलकार की तरफ से इंस्पेक्टर के टाइटल के साथ लिखी गई लॉग बुक है, जिसने दरियाए नील के साथ तोरा की कानों से फिरौन खुफू के मकबरे, गीजा के अजीम अहराम तक सफ़ेद चूने के पत्थर की नकलो हमर की दस्तावेज तैयार की थी। सामईन कराम, हमारी ये मुख्तसर वीडियो जो कि इजिप्शियन पैरामिड्स के मुतालिक थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सामईन कराम, मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।